जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और मेरा दिमाग आज सुबह से ठनक गया और मैं उठ गया और नहा धो लिया। तो अभी सब गाड़ियां पंचर खड़ी, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पंचर है, वो भी इसमें हवा कम हो गई है। और भाई ये वाला बिल्कुल ठीक है, वो एकदम पंचर खड़ा है। तो भाई न टायर खुल रहा था न कुछ हो रहा था, सीधे अब इनको लेके जाते हैं, पंचर बनवा देंगे इनका बिल्कुल ओके नहीं, क्योंकि गाड़ी का पंचर खड़े तो इसके टायर भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं, पंचर वरना गंदी बहुत हो गई है। तो भाई मैंने अभी अपनी इस गाड़ी में क्या बोलते हैं हवा डला ली, जिससे गाड़ी चल पा रही है। और मैं अभी इसके जो पंचर हैं वो सारे अंदर से खुलवा के सुबह सुबह उठा, देखो छीक वीक सब आने लगी। तो इसका पंचर जो है ना अंदर से बनवाऊँगा, तो फिर ये ज़्यादा दिन चलेंगे, नहीं तो बाहर से 6 दिन हो जाते हैं, 8-9 बार बस टायर ख़राब हो जाता है। तो फिर चलो देखते हैं क्या बताता है। सारे तीनों चारों टायर खुलवा के बढ़िया चेक करवाएंगे, कोई ना रहे जब फिर जाकर घर में खड़े करे पता चले ले पंचर भी गई। तो हम लोग भाई कम से कम मतलब पहुँच ही गए दुकान में, ये पंचर की दुकान। तो भाई देखो गाड़ी खड़ी कर दी है और पंचर वाला बाहर है। मैंने चारों टायर के ऑर्डर दे दिए कि चारों खोलो, चारों चेक करो, देखो किसमें क्या दिक्कत है। है ना कहाँ पे पंचर मिल गया। भाई एक है इसमें, एक ये भैया यहाँ देखो, ये अच्छा यही है ना, कील लगी है। एक टायर मेरा रेडी हो गया, ये देखो अब ये इधर के दो टायर खुल रहे, ये टायर तो खुलने में बड़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि ये मुझसे घर में भी नहीं खुल रहा था और यहाँ पे भी नहीं खुल रहा है। ये भाई इसकी वाल बाडी चली गई है, ये देखिए अभी फन्ना ही पड़ेगी, अभी फन्ना ही पड़ेगी। तो भाई अभी मेरी गाड़ी क्या है ना, सेंट्रल लॉकिंग हो गई है, इसकी रिमोट की सेल जो है वो भाई डाउन हो गया है, तो इसलिए ये अनलॉक नहीं हो रही। अब जब अनलॉक नहीं होगी तो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा साकेत नगर स्पेशल डलाने के लिए, जब स्पेशल पड़ जाएंगे तब ये स्टार्ट हो जाएगी।
ये देखो आपको दिख रही होगी लॉक वाली लाइट जल रही है यहाँ पे बार बार, ये देखिए इस वजह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। और जब तक सेंट्रल अनलॉक नहीं होगी उसकी रेड लाइट तो जल रही पर पूरी तरीके से चार्ज नहीं है सर। अब मैंने रैपिडो बुक किया, तो भाई मैंने रैपिडो बुक कर दिया, रैपिडो वाला आ जाए और फिर मैं उसके साथ साकेत नगर जाके इसके सेल बदला के फिर इसको अनलॉक करके तब ले जा पाऊंगा गाड़ी। इससे तो ले भी नहीं जा पाऊंगा, दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, समस्याएं होती हैं तो उसका हल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सेल डला लाए यार, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यार, स्टार्ट नहीं हो रही है, ये ख़राब है। मैकेनिक को बुलाया है, वो आ रहा है, सेंट्रल लॉक इसका ताला तोड़वा देंगे। ताला स्टार्ट है नहीं हो रही है, फ़ोन की बैटरी अलग डाउन हो गई है, तब ब्लॉग भी नहीं बना पाएंगे। घर चल के ब्लॉग बनाते हैं, घर पहुंच पाएंगे कि नहीं ये भी देखो पहले, सही होगी तो घर जाएंगे। तो भैया यार हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, इसको छोड़ के वहीं चले आए हैं। अब एक स्कैनर बुलाया, स्कैनर आएगा, कोडिंग करेगा, कोडिंग करने के बाद ही फिर उस पर भाई क्या बोलते हैं नया कोड से नया सिस्टम पड़ेगा, फिर गाड़ी लॉक अनलॉक होगी, वरना कोडिंग के चक्कर में। तो भाई मेरी i20 बन के आ गई है और उसको देखते हैं किस तरीके की अब बन के आई है। तो भाई ये फाइनली अपनी i20 आ गई है बन के, क्लेम में पड़ी हुई थी इसकी। ये चाबी है और ये खुशी है, ये खुशी की चाबी है जिसे इस समय रील बन रही है। तो अभी खुशी आज शाम को खूब दौड़ेगी। तो भाई डेली के तरीके आज देखो हम लोग बाबू को फिर टहलाने के लिए बाहर जा रहे हैं और हो गई है शाम, तो थोड़े टहलते देखो। ओली गेट पे बैठी हुई है, ये देख के हमने देख रहा है चल क्या रहा है ना। ए ओली क्या हो गया, मच्छर काट रहे हैं तुमको? तो भाई आपसे बताया था ना कि गाड़ी ठीक नहीं है और मैं घर आ गया हूँ भाई। फिर अभी मैं चाचा के साथ गया था, उन्होंने बताया कि सेल रिमोट मतलब कि गाड़ी के रिमोट का सेल डाउन था, उसको चेंज करो फिर उसके बाद से वो स्टार्ट हो जाएगी। भाई तो फिर गए यार, फिर से सेल डलाया, जो उसने सेल डाला था वो सही नहीं था, फिर सेल डलाया वो ठीक हो गया है। तो फाइनली भाई गाड़ी दोपहर में ही ले आए थे और मैं फिर उसके बाद सो गया था। तो ये खड़ी है देखिए अपनी गाड़ी, जो कि आराम से चल के आगे थी, कोई दिक्कत नहीं।